नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। लोकसभा चुनाव 2019, हरियाणा फिर मोदी मैजिक के सहारे और विपक्ष का बिखराव बनेगा बड़ा हथियार, इसलिए हम चले हैं शहर से गांव की ओर। इसी के साथ जानेंगे गांव के क्या है मुद्दे, गांव की विशेष राजनीति के बारे में। गांव में मिलेंगे कुछ लोग सरकार से नाराज, कुछ अलग अलग पार्टियों के मिलेंगे अपने। जी हाँ, लोकसभा चुनाव 2019 का बिगुल बजने के बाद हरियाणा में भी सियासी बिसात बीत चुकी है। सभी राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव की पारी खेलने में बेताब हैं। सियासी पिच पर ये मैच किन मुद्दों के बूते जीता जाएगा, सभी पार्टियां इस पर ध्यान मंथन कर रही है। लेकिन भाजपा को हरियाणा में कमल खिलाने के लिए एक बार फिर से मोदी मैजिक का सहारा लेना पड़ेगा। 2014 में मोदी लहर ने जिस तरह से भाजपा को हरियाणा में मजबूती दी थी, उसी तर्ज पर इस बार फिर से प्रदेश भाजपा मोदी है तो जीत मुमकिन है का फार्मूला लेकर के अपनी रणनीति तैयार करेगी। हरियाणा में जीत के लिए मोदी की उपलब्धियों के साथ साथ भाजपा प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को भी जीत का आधार बनाएगी। पिछले 5 सालों में मोदी सरकार के अहम फैसले और प्रदेश सरकार की उन उपलब्धियों की जो तैयारी लिस्ट बन चुकी है और उनकी तैयारी की जा रही है, जिसका प्रचार जनता के बीच में भाजपाइयों द्वारा किया जाना है, इसी को लेकर के हम ग्रामीणों के बीच पहुँचे हैं। आइए जानते हैं खेतों में, गांव की गलियों में लोग क्या कहते हैं, कौन होगा सीधी टक्कर में, विपक्ष की एकजुटता काम आएगी या फिर मोदी मैजिक। आइए जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र सिंह है जी। महेंद्र सिंह जी, अभी लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और इस समय पूरी तैयारियां हैं, बीजेपी और अन्य जो पार्टियां हैं वो अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रही हैं। आपको इस क्षेत्र में किस तरह का एमपी चाहिए? ऐसा है जी, हमें बढ़िया पढ़ा लिखा और मतलब मेहनती एमपी हो जी। जैसे पहले चरणजीत सिंह जी है जी, वो हमारे कभी आके यहाँ देखे नहीं अभी तक 5 सालों में। ओके, तो मैं तो यही उम्मीद करूँ भी बढ़िया पढ़ा लिखा हो एमपी हमें मिले, ताकि हमारे सिरसा जिला का लोकसभा सीट का बढ़िया काम हो। तो ऐसा है, मतलब किस तरह के मुद्दे यहाँ पर देखने को मिलते हैं जिनको अभी तक पूरा नहीं किया गया है, और आप उन मुद्दों को लेकर के आगे आने वाली जो भी जिस भी सरकार को आप वोट करेंगे उन मुद्दों को लेकर के करेंगे, किस तरह के मुद्दे यहाँ पर हैं? मुद्दे तो देखो जी, हमारे बहुत सारे मुद्दे होते हैं जी, जैसे किसानों के मुद्दे होते हैं जी। तो ये जो हमारे पीछे सरकार में एमपी है, विधायक है जी, हमारे 500 सीटें लोक दल के खाते में है। बिल्कुल, तो उन्होंने कभी आके हमारे एरिया में कभी नहीं देखा है जी। तो जैसे पानी की समस्या इस साइड में एलनाबाद से मतलब हल्के के अंदर बहुत सारी पानी की समस्या भी है और रोडें भी मतलब टूटी फूटी है। तो अभी जो मौजूदा सरकार है इससे कितना संतुष्ट है आप, क्या लगता है कि मौजूदा सरकार इस समय काम करवा रही है? बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया सरकार है ये पारदर्शिता से भर्ती कर रही है, बढ़िया काम कर रही है जी। और हम चाहेंगे भी ये दोबारे आगे इनको और मौका दिया जाए। तो राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच अगर आपको एक का चुनाव करना हो तो किसका चुनाव करेंगे आप? हम तो नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करेंगे जी। क्यों करेंगे? क्यों, ये बहुत बढ़िया नेता है जी जी, और ये हमारे देश हित के अंदर सोचते हैं, और ये जो ये क्षेत्रवाद और ये भतीजावाद वगैरह वगैरह की ये जो जातिवाद की ये राजनीति नहीं करते जी। बिल्कुल, अभी एक महेंद्र जी आप मुझे एक खास बात बताइए, जो अभी समय विपक्ष उठा भी रहा है, मुद्दा उठा रहा है कि जो अभी एयर स्ट्राइक हुआ है और भारतीय सेना के ऊपर भी सवाल उठाए गए हैं विपक्ष द्वारा, लेकिन ये उनके द्वारा कहा जा रहा है बार बार कि ये जो एयर स्ट्राइक हुई है वो आने वाले इन लोकसभा चुनाव को देखते हुए, कहाँ तक सहमत है आप इसे? ऐसा है जी, ये मतलब विपक्ष के पास और कोई मुद्दा ही नहीं है, इनके पास कोई मुद्दे ही नहीं है जी, ऐसा कुछ नहीं है जो मतलब ये अपने मुद्दे बनाए बैठे हैं जी। क्या नाम है आपका? सुभाष। सुभाष जी, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, क्या कहना है आपका, किस तरह का कैंडिडेट होना चाहिए यहाँ, किस तरह के मुद्दे यहाँ पर हैं जिनको लेकर के आप वोट करेंगे? कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए जो अच्छी सोच रखे जी और काम कर सके गाँव में, किसानों का, बच्चों का, जैसे बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है स्कूल के अंदर, ये नारा तो ठीक है लगा रखा है मोदी जी ने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जैसे मैंने अपनी गुड़िया की 4 गुड़िया थी हमारे, एक भाई की और मेरी जी, मेरी थी जी, और वो पढ़ाई में बहुत दिक्कत आई,
गांव में स्कूल भी नहीं है, आठ तक स्कूल है क्या, आठ तक स्कूल में कुछ पढ़ाई नहीं होती, गांव में आठवीं तक का स्कूल है। हाँ, तो ये गांव के अंदर बार प्लस टू का स्कूल होना चाहिए, तो इसी तरह पढ़ाई हो जाएगी अगर प्लस टू का स्कूल होए। लेकिन सरकार तो कह रही है हमने बहुत काम किया है इस क्षेत्र में, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ की लड़कियाँ 400 किलोमीटर दूर पेपर दे कर जा रही है, तो गरीब जो है वहाँ कैसे। चलो ये तो एक मुद्दा है, लेकिन विपक्ष बार बार ये बात भी बोल रहा है कि मोदी जी ने जो भी काम करवाए हैं वो चुनाव को देखते हुए करवाए, क्या लगता है आपको, कितना सहमत है इनसे? नहीं नहीं, ये बात तो नहीं है, ठीक है मोदी जी अच्छे काम किए हैं, स्ट्राइक वगैरह और बहुत बढ़िया काम किए, एक बार मोदी जी फिर आ जाए ना, पाँच साल में कुछ ज्यादा बात नहीं है, मौका देना, एक मौका और देना चाहिए, एक मौका और जरूर देना चाहिए। कहीं आप मोदी भगत तो नहीं है जी? कहीं आप मोदी भगत तो नहीं है? ना ना ना, हमने कांग्रेस को भी दिए हैं, लोकदल को भी देखे हैं, परखे हैं, बस ठीक है मोदी जी, एक मौका और देना चाहिए इनको। बिल्कुल, काम तो कांग्रेस ने भी करवाए हैं, बहुत सारे ऐसे काम है, लेकिन क्या लगता है आपको मोदी जी और उनमें क्या फर्क है? सरकार बहुत रही है कांग्रेस की, काफी लंबे समय हमारे यहाँ दो तीन नौकरी मिली है जी, को मेरे भाई को मिली है गाँव में, हाँ मेरे आपके मेरे चाचा के लड़कों को मिली है, कांग्रेस में नौकदल में बहुत बाधा दौड़ी थी, रिश्वत देनी पड़ी, रिश्वत तो नहीं, बाकी वहाँ पहले रिश्वत भी चलती थी और सिफारिश भी चलती थी, अब कोई सिफारिश रिश्वत की लोड नहीं है, जो पढ़ाई है उसी वैल्यू पे ही नौकरी मिलती है, और एक यहाँ मेरे भतीजे की बहू लगी है, एक भाई लगा हुआ है, एक नायक बिरादरी से है लड़की, पुलिस में वो लगी है, तो ये अच्छा है, इस सरकार में बहुत बढ़िया हो रहा है। ओके, कहीं सिफारिश वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती? कुछ नहीं है, ये बढ़िया है वैसे, ठीक, सरकार एक बार फिर आनी चाहिए मोदी साहब की, देखते हैं पाँच साल में और बढ़िया हो, इससे अच्छा काम हो जाए जी। लड़की, हाँ जी, क्या नाम है आपका? संतोष आशा वर्कर। संतोष जी, आप ये बताइए कि अभी लोकसभा चुनाव का बिगुल बच चुका है, इस समय लोकसभा के चुनाव आने वाले, डेट भी निर्धारित हो चुकी है, आप बताइए कि किस तरह का एमपी इस क्षेत्र में होना चाहिए? पढ़ा लिखा होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, हमारी जो हमारे बारे में सोच सके, जनता के बारे में जी, हमारा गाँव में स्कूल आठवीं तक का है, प्लस टू तक का स्कूल होना चाहिए हमारा जी, वो मतलब इन मुद्दों को लेकर के काम करे, काम करे। तो किस अभी जो मौजूदा सरकार है इसने कुछ काम करवाए हैं बता रहे हैं, लेकिन आप कितना संतुष्ट हैं इनसे? इतना तो नहीं है, लेकिन पहले से बहुत ज्यादा है, जैसे मान ले पहले पढ़े लिखे युवाओं के लिए कोई नौकरी वगैरह कोई भी सुविधा नहीं थी, अब बहुत ज्यादा सुविधा दी है इन्होंने, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, डिजिटल इंडिया का कह रहे हैं, कोई फर्क लगता है आपको डिजिटल इंडिया का, कुछ फर्क आया है आपके मतलब आम जिंदगी में? बहुत ज्यादा फर्क आया है। क्या? सबसे बड़ा तो ये है, पहले तो ना कोई भी सरकारी कर्मचारी काम करने के लिए तैयार नहीं होता था, रिश्वत मांगता था, अब है ना पहले डरता है किस चीज की रिश्वत है, अगर फीस देने भी पड़ते है ना, जब वो पहले लगता है भी ये कोई रिश्वत ना, हाँ, रिश्वत ना दे, पैसे के मामले में उसको थोड़ा शक रहता है, और कर्मचारी बहुत ज्यादा काम करते, पहले कोई नहीं करता था, पहले बैठे हुए तनख्वाह लेते थे अपने घर में, अब कर्मचारियों को बहुत डर है। तो महिला सशक्तिकरण पे मतलब किस तरह का काम होना चाहिए, महिलाओं के लिए क्या काम होना चाहिए? महिलाओं के लिए सबसे बड़ी एचबी का उन्होंने घर घर सिलेंडर वगैरह पहुंचाए हैं जी, और जैसे महिलाओं के लिए सारी चीज की सुविधाएं हैं, पहले औरतें घर से बाहर निकलने के लिए भी कतराती थी, अब कोई डर नहीं है, कहीं ना कहीं सुरक्षित महसूस कर रही है, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। तो मोदी जी के साथ है आप कुल मिला के? कुल मिला के मोदी जी के साथ है जी। हाँ जी, क्या नाम है आपका? बंतलाल। हाँ जी, बंतलाल। बंतलाल जी, इस समय लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और घोषणा हो चुकी है, उनकी डेट भी निर्धारित हो चुकी है, आपका क्या कहना है कि किस तरह के लोग मतलब यहाँ पर मुद्दे उठा रहे हैं और उनको लेकर के आप वोट करेंगे? बोल। हम वैसे लोकदल पार्टी के हैं जी, पर इस सरकार से हम संतुष्ट हैं। लोकदल के हैं और इस सरकार से संतुष्ट है, संतुष्ट है। क्या कारण है जी? हम पर कोई किसी तरह का कोई दबाव नहीं है जी, हम खुश हैं, हमें हम किसानों के हित में जो कार्य किए है। आप किसान हैं? हाँ। अच्छा एक बात बताइए, जो अभी 6,000 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से किसानों को दिए जा रहे हैं जिनकी 5 एकड़ तक भूमि है, क्या लगता है किसानों के दुखों का निवारण हो सकेगा इसमें? कुछ फायदा होगा, कुछ फायदा होगा, जरूर होगा। संतुष्ट है किसान इससे? संतुष्ट है। तो इनेलो ने भी तो पेंशन लागू की थी, बुढ़ापा पेंशन लागू की थी, तो फिर उनके साथ जुड़े रहिए ना। उसके बाद हमारा है, हमारा वोट है, हम किसी के दबाव नहीं आते। अच्छा, दबाव में नहीं आएंगे आप, है जो ठीक लगेगा वो करेंगे, हमें जो ठीक लगेगा वहाँ वोट करेंगे। बहुत अच्छा है। हाँ जी, क्या नाम आपका? महावीर जी। महावीर जी, क्या लगता है आपको किन
मुद्दों को लेकर के आप वोट करेंगे और किस सरकार को आप सपोर्ट करेंगे? तो ऐसे ये मोदी सरकार ठीक है, बढ़िया है, अच्छा है, तो सबकी समान कार्य हो रहा है। यार मैं जिसको ही पूछ रहा हूँ मोदी मोदी हो रही है, कहीं मोदी भगत तो नहीं है इकट्ठे हो गए? नहीं, मोदी भगत तो नहीं है। हाँ जी, मोदी बढ़िया सरकार है, सबका काम सही होता है। लेकिन विपक्ष तो बार बार ये कह रहा है कि मोदी जी ने तो मतलब चुनाव को देखते हुए ये सब किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया था वो भी, और ये एयर स्ट्राइक हुआ है वो भी। नहीं, वो तो जी उनका मुद्दा है, खास नहीं, बस पैसे ठीक है, पिछले सालों से बढ़िया है, ये कार्रवाई तो कर रही है कुछ। अच्छा एक बात और बताइए, जो एयर स्ट्राइक हुई थी और हमारे यहाँ पुलवामा हमले में जो हमारे देश के जवान शहीद हुए थे, उस पर भी बहुत सारे राजनीति कर रहे हैं लोग, क्या कहना है आपको? वो तो जी गलत है, जो जवानों पर तो राजनीति करनी गलत है, उसका जवाब भी मोदी जी ने दिया है, ठीक है, बढ़िया है, अच्छी सरकार है। तो कुल मिलाकर के आप मोदी सरकार से संतुष्ट हैं? हाँ ठीक है जी, बढ़िया है, सरकार अच्छी है। अच्छा एक बात बताइए, आप पीछे मोदी जी से पहले आप कौन सी सरकार में थे, क्या मतलब कौन सी सरकार ठीक थी? पीछे तो कांग्रेस ही थी। ठीक थी, लेकिन अभी अगर आपको कहा जाए कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच में आप चुनाव कीजिए, तो किसका चुनाव करेंगे? हम तो मोदी का ही करेंगे, वो ठीक है सरकार। लेकिन प्रियंका गांधी भी तो आई है ना अभी कांग्रेस के अंदर आ गई है, बता रहे हैं कई लोग, आप जैसे लोग ही इस तरह से कह रहे हैं कि भी उसके अंदर जो है इंदिरा गांधी की छवि दिखती है, तो और वो इंदिरा गांधी जैसा कुछ कर सकती हैं, तो क्या लगता है आपको? उससे तो कुछ फायदा होने वाला है? प्रियंका गांधी में कोई अनुभव है? नहीं, चलो ठीक। हाँ जी, क्या नाम है आपका? रामजीलाल जी, बताना कि इस समय लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, आपके किस तरह के मुद्दे हैं और एमपी यहाँ कैसा होना चाहिए? एमपी जी जिसको सलूक लागे जिसको वो ठीक रहना चाहिए, स्कूल में ही बढ़िया होना चाहिए, 10-12 को होना चाहिए जी, तो और खास कूड़ा का मैं जी 50 किलो हो जिसको 45 किलो कर दियो, में सबूती होनी चाहिए, वजन कम कर दिया। हाँ, वजन कम कर दिया। अच्छा तो 6,000 रुपए सरकार ने देने की घोषणा की है, कितना का इसको फायदा है सरकार? क्योंकि जी बिल घर है 2,000 रुपया, 1,500, 1,000 रुपया। अच्छा बिल, बिजली का बिल? हाँ, घूम घूम के घूम फिर के हमारा भी आ जाए जी। हाँ, आपके पैसे आप ही को मिल रहे हैं? हाँ, कुछ तो दिखा रहा जी भाई, पीछा मिल जाए, पीछा मिल जाए। अच्छा तो एक बात बताइए, मतलब इससे कोई राहत नहीं, आप जो मौजूदा सरकार है इससे कितना संतुष्ट है? कितना भी अब सरकार जो है ये किस तरह की है, आपको ठीक लग रही है? हाँ सरकार बढ़िया है जी, भैया तो मोदी बढ़िया है, आपका मेरा लड़का नौकरी लगा दिया। अच्छा आपका लड़का नौकरी लगा है? हाँ। फिर तो आप मोदी भगत हो गए। अच्छा पोते की बहू भी लगी? हाँ। किस तरह की नौकरी में लगे हैं? बहुत सारी सरकारी नौकरी है, सरकारी। अच्छा मेरे को एक बात बताइए, जो नौकरियां मिली है डी ग्रुप वाली भर्ती हुई है, इनमें आपको लगता है कोई रिश्वत वगैरह देनी पड़ी या कुछ सिफारिशें करवानी पड़ी? तो कुछ भी नहीं दियो, मान तो भगवान ने हल कर दिया, मोदी मोदी सरकार से संतुष्ट है आप? हाँ। चलो ठीक।